तो दोस्तों सबसे पहले तो जरा इस फोटो को देखिए। आज से एक साल पहले यानी 2022 में जिस आईफोन 13 की कीमत करीब 70,000 रुपए थी, फ्लिपकार्ट पर हुई बिग बिलियन सेल के दौरान उसे 49,990 रुपए की प्राइस पर लिस्ट किया गया। अब इससे हुआ यह कि ये लाखों ऐसे लोग जो 30 से 35,000 का बजट लेकर आईफोन 11 या फिर इसी रेंज की किसी एंड्रॉयड फोन को खरीदने का सोच रहे थे, वो अपना बजट बढ़ाकर आईफोन 13 की लाइन में लग गए। लेकिन उसकी उम्मीदों को झटका तब लगा जब आईफोन 13 के सेल शुरू होने के बाद प्लग छपकते ही आउट ऑफ स्टॉक हो गई। हालांकि कुछ टाइम के बाद से यह फोन फिर से स्टॉक में आया, लेकिन तब उसकी कीमत 50,000 नहीं बल्कि 52,000 से 55,000 तक बढ़ा दी गई थी। अब जो लोग बेसब्री से आईफोन 13 की आस लगाए बैठे थे, वो स्टॉक में वापस लौटे आईफोन को देखकर अपने सब्र को बांध को काबू में नहीं रख पाए और जल्द ही प्राइस और ज्यादा बढ़ने के डर से उन्होंने 2-4 हजार और अधिक खर्च करके तुरंत फोन को ऑर्डर करना ही ज्यादा सही समझा। 2022 के बिग बिलियन सेल के दौरान फ्लिपकार्ट ने लाखों आईफोन बेचे थे और लगभग हर साल की यही कहानी होती है। एक छोटी सी साइकोलॉजी ट्रिक्स फ्लिपकार्ट लेना सिर्फ कस्टमर को अपना प्रोडक्ट बेचा था बल्कि करोड़ों रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी कमा लिया। यहां तक कि फ्लिपकार्ट बिग बिलियन सेल के दौरान इतने आईफोन बेचे थे, फोन तो ठीक है लेकिन उसके चार्जर तक इंटरनेट पे आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। और हाँ, ये तो मैं सिर्फ एक ब्रांड की फोन की बात कर रहा हूँ ना, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते ऐसे हाल ही एंटीसिपेडेंट सेल्स के दौरान या ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कितनी ज्यादा सर्च जनरेट करते होंगे। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद अगर उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट को देखें तो यहाँ हमें एक अलग ही तस्वीर देखने को मिलती है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में जहाँ फ्लिपकार्ट में 4,362 करोड़ रुपए का लॉस किया था, वहीं अमेजोन के लिए यह नंबर 3,649 करोड़ रुपए का था। ऐसे में सवाल उठता यह है कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का बिजनेस मॉडल आखिर कैसे काम करता है। बिग बिलियन सेल के दौरान और अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल जैसे सेल में इतनी हैवी डिस्काउंट के पीछे का सच क्या है? और हाँ, सबसे बड़ा सवाल आखिर ये कंपनी जितनी ज्यादा सेल्स करने के बाद भी आखिर इतनी लॉस में क्यों जा रही है? तो दोस्तों बिग बिलियन सेल और अमेजोन ग्रेट इंडियन सेल्स के दौरान इतने सस्ते प्रोडक्ट लेते समय आपने कभी न कभी जरूर सोचा होगा कि आखिर ये कॉमर्स इतने सस्ते प्रोडक्ट को देख कैसे पाते हैं। अब अगर हम स्मार्टफोन की बात करें तो यह कंपनी अच्छे से जानती है कि ब्रांड चाहे जो भी हो, हर स्मार्टफोन की सेल्स हजारों और लाखों में होने वाली है। इसको ध्यान में रखते हुए कंपनी हर प्रोडक्ट के सेलर से स्पेशल प्राइस की डिमांड करती है और प्रॉफिट मार्जिन को मिनिमाइज करके हाई वैल्यूम सेल को फोकस करती है। अब मान लीजिए कि स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट और अमेजोन के सेलर कुल मिलाकर 1,000 का प्रॉफिट कमा रहे हैं और बिना किसी ऑफर के उसे स्मार्टफोन की 3,000 यूनिट से बिकती है, तो फिर इस केस में उनका टोटल प्रॉफिट सिर्फ 30 लाख रुपये ही होता है। लेकिन अगर सेलर उसकी प्रोडक्ट में अपनी प्रॉफिट को आधा यानी 500 रुपये भी रखते हैं और एक्स्ट्रा 500 का डिस्काउंट अपने ग्राहक को देते हैं, तो शायद वो 10 से 15 हजार फोन्स बेच लेंगे और इस कंडीशन में उसका टोटल प्रॉफिट मार्जिन बढ़कर 50 से 75 लाख रुपए हो जाते हैं। और हाँ, अगर आपने कभी ऑनलाइन स्मार्टफोन खरीदा हो तो आपने यह चीज जरूर नोटिस की होगी, मोस्ट ऑफ द केसेस जो स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट पर मिलता है वो अमेजोन पर नहीं मिलता और जो अमेजोन पर मिलता है वो फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल नहीं होता। फ्लिपकार्ट और अमेजोन स्मार्टफोन ब्रांड के साथ एक्सक्लूसिव डील करते हैं जिससे कि वह पार्टिकुलर स्मार्टफोन के लिए ऑनलाइन मार्केट से कंपटीशन को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। इससे होता यह है कि बिना ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर दिए यह प्लेटफॉर्म अपनी मुंह मांगा कीमत पर उसे स्मार्टफोन को आसानी से सेल कर पाते हैं। अब डिस्काउंट और ऑफर से याद आया कि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट और नो जैसे ऑफर काफी देखने को मिलते हैं। मान लीजिए कि आप एक लैपटॉप खरीदने वाले हैं जो HDFC के क्रेडिट कार्ड पर 2,000 के डिस्काउंट के साथ मिल रहा है, तो यहाँ पर अब काफी चांस है कि आप डिस्काउंट के लालच में HDFC का क्रेडिट कार्ड जरूर लेंगे। इस तरह से यह प्लेटफॉर्म बैंक के साथ कोलैबोरेट करके मैचुअल सर्च करते हैं और कस्टमर को दिया जाने वाला डिस्काउंट का अमाउंट भी बैंक से असूलते हैं। अब दोस्तों एक ऑफलाइन मर्चेंट के पास अगर दिन में 100 कस्टमर आते हैं तो वो शायद मुश्किल से 10 लोगों को ही अपने प्रोडक्ट खरीदने के कन्वेंस कर पाते हैं।
लेकिन दूसरी तरफ फ्लिपकार्ट और अमेजोन की उसकी सर्च हिस्ट्री की मदद से आपकी पसंद और नापसंद को अच्छे में समझ चुके होते हैं और यह अंदाज़ा भी लगा लेते हैं कि आप कौन सा प्रोडक्ट खरीदना प्रेफर करते हैं। ऐसे में वो आपको पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन देते हैं और उसकी सक्सेसफुल चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। यही नहीं, ऑफलाइन मर्चेंट के कंपेरिजन में या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काफ़ी बेहतर ढंग से क्रॉस सेलिंग भी कर पाते हैं, जिससे कि वह बड़ी चालाकी से कस्टमर का कार्ड की वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं। जैसे कि अगर आप एक होम वर्कआउट तो फिर आपको प्रोटीन सेक्स और दूसरी सप्लीमेंट्स भी दिखाए जाएंगे, जिससे साइकोलॉजिकल आपकी जरूरत बढ़ जाएगी और आप आज नहीं तो कल उन चीज़ों को भी खरीद लेंगे। दोस्तों, बिग बिलियन डे और अमेजोन ग्रेट इंडियन सेल्स के दौरान कई हाई वैल्यू प्रोडक्ट पर लिमिटेड टाइम डील रखे जाते हैं और कई प्रोडक्ट पर इतना अट्रैक्टिव ऑफर दिखा दिए जाते हैं कि लाखों की संख्या में कस्टमर परचेस करने के लिए टूट पड़ते हैं। कुछ ऐसा ही हमने वीडियो की शुरुआत में आईफोन 13 के साथ भी देखा था, जहां 50,000 का आईफोन लेने के लालच में लाखों लोग आ गए थे, लेकिन इस ऑफर का फायदा कुछ गिने चुने ही लोग उठा सके। लेकिन अगर आपको लगता है कि उन खुशकिस्मत लोगों को आईफोन 13 50,000 में मिल गया है, तो चलिए मैं आपको इनका ऑनलाइन सर्च के डार्क रियलिटी भी दिखा देता हूँ। इंटरनेट पर ऐसे ट्वीट्स और पोस्ट से भरा पड़ा है जहाँ कस्टमर से शिकायत की है कि उन्होंने 50,000 में आईफोन 13 ऑर्डर किया, लेकिन उसके बाद में और उनका ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया है। अब यहाँ आप शायद यह सोचते होंगे कि फ्लिपकार्ट के स्टॉक में खत्म हो गया होगा, लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि क्या स्टॉक सिर्फ 50,000 वाले आईफोन के लिए खत्म हुआ था, क्योंकि इसके कुछ सेकंड बाद ही आईफोन 13 वापस में स्टॉक आया, लेकिन उसकी प्राइस बढ़कर 52,000 से 55,000 तक कर दी गई थी। जाहिर सी बात है, फ्लिपकार्ट ने जानबूझकर कस्टमर के साथ साइकोलॉजिकल को मैनिपुलेट किया, जिसकी उसकी सेल्स ज़्यादा हो सके। तो हम ये भी जानते हैं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो दोस्तों फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, क्या देख रहे हो यार, सब्सक्राइब तो करो, मनोबल बना रहेगा। सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो और इस तरह से जिसे आप सेविंग करने का तरीका समझते हैं, वो असल में आपके जेब को और भी ढीली कर रही है। लेकिन आपको दिमाग में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है। और तो दोस्तों, जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो सबसे पहले आपको एक मेनू या कैटलॉग दिया जाता है, जहाँ पर आप मिलने वाली सारी रिसर्च मेंशन होती है। आप जो भी खाना खाते हैं सेलेक्ट कर रहे, वेटर आपको ऑर्डर सेव तक पहुंचाता है और फिर खाने के बाद जब पेमेंट करने की बारी आती है तो फिर उसका ध्यान रखने के लिए भी रेस्टोरेंट में अलग से लोग रहते हैं। फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसे ही कॉमर्स कैटलॉग ही होते हैं, जिसके पास मोस्ट ऑफ द केसेस में अपनी कोई इन्वेस्टरी नहीं होती है। यह प्लेटफॉर्म 7 लाखों सेलर्स को जोड़ते हैं, जहाँ अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं और इन प्लेटफॉर्म में मैसेज कस्टमर ट्रॉफिक का फ़ायदा उठाते हैं। जब भी आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर किसी प्रोडक्ट को बाय करते हैं, तो फिर यह प्लेटफॉर्म आपकी डिटेल उस सेलर तक पहुंचा देते हैं जिसकी कि वो प्रोडक्ट को लिस्ट किया होता है। इधर सेलर अपना प्रोडक्ट पैक करता है, उधर इन प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रहे डिलीवरी पार्टनर प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुँचाने का काम करते हैं। साथ ही यहाँ पर एक पेमेंट पार्टनर भी होता है, जो कि कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट करके इसी प्रोसेसिंग को मॉनिटर करता है। इस तरह दूसरे शहर में वेयर हाउस में पड़ा प्रोडक्ट इनकी कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए से आपके दरवाजे तक पहुंचा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यह है कि प्लेटफॉर्म पैसा कैसे कमाता है। तो दोस्तों, जब भी आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन के कई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो फिर यह प्लेटफॉर्म सेलर की उसके बदले में एक कमीशन चार्ज करती है, जो अलग अलग प्रोडक्ट के लिए 10 से 20% के बीच होती है। अब यह फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जहाँ मान लीजिए कि आप एक सेलर हैं और आपके प्रोडक्ट पर फ्लिपकार्ट 10% की कमीशन चार्ज करता है, तो दोस्तों यहां पर आपके खर्च सिर्फ यही नहीं होती, फ्लिपकार्ट आपके पेमेंट करने के कलेक्शन के भी लेते हैं। प्रोडक्ट की प्राइस 2% होता है। इसके बाद शॉपिंग फी भी होती है, जो कि कस्टमर के लोकेशन और प्रोडक्ट के वजन के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है। आखिर में ये सारे प्लेटफॉर्म की बाद में गवर्नमेंट भी अपने टैक्स लेते हैं, जो कि सेलर्स के पास से ही देना होता है। इस तरह से अलग कोई प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म पर 1500 रुपये में बिकता है, तो फिर सेलर की तकरीब 1200 रुपये ही पहुँचता है। अलग अलग प्लेटफॉर्म की कमीशन के बीच अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसे कम शॉपिंग और डिलीवरी के लिए भी खुद के प्लेटफॉर्म डेवलप कर लिए हैं। जैसे शॉपिंग कंपनी ई कार्ड और पेमेंट गेटवे फोन पर दोनों ही फ्लिपकार्ट ऑन करता है। मतलब एक चीज तो साफ है कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म हर प्रोडक्ट पर अच्छे खासे कमीशन कमा लेते हैं। अगर ऐसा ही हो तो फिर यह ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इतनी ज़्यादा लॉस क्यों है।
एक्चुअल में इसके पीछे टू मेजर पॉइंट है, पहले मार्केटिंग कास्ट और दूसरा है बिड डिस्काउंट। फाइनेंशियल ईयर 2022 में फ्लिपकार्ट में अपनी मार्केटिंग पर करीब 1945 करोड़ रुपए खर्च किए, जो वही अमेजोन के लिए यह नंबर 3426 करोड़ का था। कस्टमर्स को अपने प्लेटफॉर्म से जोड़े रखने के लिए कंपनी कंपटीशन के चक्कर में कभी तो इतने ज़्यादा डिस्काउंट दे देती है कि कई बार उसके अपने ही जेब से पैसा भरना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, इसके लॉसेस के बाद भी यह कंपनी मार्केट में इसलिए एग्जिट कर रहे हैं कि क्योंकि इस टाइम पर इसका मकसद खुद को प्रॉफिटेबल बनाना नहीं बल्कि आप इन प्लेटफॉर्म पर सहूलत लगाना है। फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसी कंपनी अच्छे से जानती है कि अगर वो आपको अपने प्लेटफॉर्म की लत लगा देंगे और आप घर बैठे स्क्रीन को स्क्रॉल करके ही सामान खरीदने के आदि हो जाएंगे, तो फिर आज नहीं तो 10 साल के बाद भी आप ना चाहते हुए भी ज़्यादा पैसे देकर इनसे ही सामान खरीदेंगे। लेकिन दोस्तों, जानते हैं साइकोलॉजी के इस गेम में सबसे ज़्यादा लॉस किसका हो रहा है? सबसे बड़ा लॉस आपका या फिर मेरा नहीं बल्कि उन लोकल मर्चेंट का होता है जिसके पास लिमिटेड इन्वेंटरी और इस सिर्फ एक लोकल एरिया के कस्टमर का एक्सेस होता है। कहने का मतलब यह है कि ना तो वह अपनी दुकान का अमेजोन की तरह सब कुछ बेच सकता है, उसके कस्टमर सिर्फ वही लोग होते हैं जो उसकी दुकान के आसपास एरिया में रहते हैं। दीवारी पर बाजारों में दिखने वाले भीड़ जो इन दुकानदारों की जिंदगी में रौनक लाया करती थी, तो आज अपने बिस्तर पर स्क्रीन स्क्रॉल करके ही अपनी जरूरतों को पूरा कर लेती है। तो इस प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप एक लोकल मर्चेंट है तो फिर प्रॉब्लम नहीं बल्कि सोल्यूशन की तलाश में होंगे। तो दोस्तों, इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन आपकी डिजिटल नॉलेज को बढ़ाना और कुछ भी इंटरनेट की दुनिया में कदम रखना। अब देखिए, अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर कहीं ना कहीं तो लोकल मर्चेंट ही होते हैं जो अपनी आप इंटरनेट की दुनिया में जोड़ते हैं और एक लोकल एरिया को बंदिशों से निकलकर ग्लोबल लेवल पर सेल करते हैं। लेकिन अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं हो तो फिर आप अपनी कस्टमर सर्विस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। वैसा आपको क्या लगता है कि अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म लोकल दुकानों को पूरी तरह से बंद कर देने वाले हैं? आप अपनी ओपिनियन हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।